हम लोग कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे थे। अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, तो लेट अस से इनकी कैपेसिटेंस सी वन सी टू है और ये दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट की थी लास्ट टाइम। अच्छा, उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होने पर इनके अक्रॉस चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम होगा, ठीक है, और वोल्टेज डिफरेंट होगा, ठीक है, चार्ज सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो वोल्टेज अगर डिफरेंट है तो वोल्टेजेस दोनों के अक्रॉस वोल्टेजेस की वैल्यू कितनी कितनी होगी? तो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि वोल्टेजेस डिवाइड होंगे चार्ज के, सॉरी, कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनलाइक रेजिस्टर कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स के केस में अगर कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर्स के केस में वोल्टेज कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक, पहले समझ लो इनवर्स रेशियो क्या मतलब है। मतलब जैसे ये रेजिस्टर है, ठीक है, अगर इनकी रेजिस्टेंस लेटेस्ट से 2 ओम है, 1 ओम है, और इनके अक्रॉस हम लेटेस्ट से वोल्टेज डिवाइड कर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट अप्लाई करने का मतलब है दोनों के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज आएगा। वोल्टेज डिवाइड होगा 2:1 में, और 2:1 का मतलब है 20 वोल्ट इधर, ये 20 वोल्ट, 20 वोल्ट इधर आएगा, 10 वोल्ट इधर आएगा, ठीक है। ये तो रेजिस्टर सर्किट की स्टोरी थी, ठीक है, ये तो रेजिस्टर सर्किट की स्टोरी थी। लेकिन अगर हमारे पास कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, नहीं कुछ नहीं पढ़ा है अभी, बस हम सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे थे। तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो वोल्टेज रेजिस्टेंसेस के रेशियो में ही डिवाइड होता है। लेकिन अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटेंस मान लो ये 20, लेट अस से 2 माइक्रोफेराड है और ये 1 माइक्रोफेराड है, ठीक है, और कैपेसिटर्स के अगर अक्रॉस अगर हम 30 वोल्ट कनेक्ट करते हैं तो इस बार जो वोल्टेज डिवाइड होगा वो 2:1 में नहीं डिवाइड होगा। कैपेसिटेंस का रेशियो 2:1 है तो वोल्टेज डिवाइड होगा 1:2 में, और 1:2 का मतलब ये है कि जिसकी ज्यादा कैपेसिटी है उसमें कम वोल्टेज अपीयर होगा 10 वोल्ट, और जिसकी कम कैपेसिटी है उसमें ज्यादा वोल्टेज आएगा, ठीक है, 10 वोल्ट आएगा पहले वाले में और दूसरे वाले में 20 वोल्ट आएगा। तो पहली चीज तो ये है कि वोल्टेज कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। अब इसका रीजन भी गेस करना डिफिकल्ट नहीं है। कैपेसिटर्स के लिए हम बोलते थे वी इक्वल्स आई आर, ठीक है, तो अगर सीरीज में करंट सेम हो जाता था तो वोल्टेज रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जहां पे, वहां पे वोल्टेज ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर्स के साथ ऐसा नहीं है। कैपेसिटर्स के साथ वी इक्वल्स क्यू अपॉन सी है। अगर चार्ज सेम होगा तो वोल्टेज कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, और दूसरा यूं एक्सप्लेन कर सकते हो कि दूसरा इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर हमने दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तो दोनों में चार्ज अलग अलग नहीं आ सकता है, ठीक है, चार्ज अलग अलग नहीं आ सकता है। ऑब्वियस है, क्योंकि एक से जो चार्ज जाएगा वही दूसरे पे पहुंचेगा। ऐसे भी तुम सोच सकते हो, ये
कंप्लीटली आइसोलेटेड है, अगर इस पे माइनस 10 है तो इस पे प्लस 10 होना चाहिए, है ना, क्योंकि बैटरी तो इन दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, इधर वाले टर्मिनल से। तो बीच में जो ये पार्ट है, पहले कैपेसिटर का राइट वाला प्लेट और दूसरे कैपेसिटर का लेफ्ट वाला प्लेट, ये दोनों पार्ट कंप्लीटली आइसोलेटेड है, तो इन पे नेट चार्ज हमेशा जीरो रहना है, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इन पे चार्ज आएगा लेकिन नेट चार्ज तभी रह सकता है दोनों पे सेम चार्ज हो, ठीक है। या इसको तुम केसीएल से भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ से चार्ज जितना निकल रहा है वही दूसरे पे डिपॉजिट हो रहा है और फिर वही बैटरी में चार्ज आ रहा है। एनीवे, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो सीरीज में चार्ज हमेशा सेम रहेगा, तो चार्ज सेम रखने के लिए कैपेसिटर पे जो चार्ज होती है वो सी टाइम्स वी के इक्वल होती है, ठीक है। सी 1 कूलम्ब के करस्पॉन्डिंग चार्ज होता है, तो वी वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग चार्ज सी वी के इक्वल होता है। तो तुम सोचोगे अगर चार्ज सेम रखना है तो एक पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा कैपेसिटेंस है उस पर कम वोल्टेज आना पड़ेगा तभी उस पर सेम चार्ज आएगा, और जिसकी कैपेसिटी कम है जैसे 1 माइक्रो फैराड तो इस पे ज्यादा वोल्टेज अपीयर होना पड़ेगा ताकि सेम चार्ज अपीयर, ठीक है। तो जब सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्टेड है तो ज्यादा कैपेसिटर पे कम वोल्टेज आएगा और जो कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है उस पे ज्यादा वोल्टेज आएगा जिससे कि चार्ज सेम रहे, ठीक है। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हम लिखते हैं 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2, ठीक। ये सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर कैपेसिटेंस की समरी है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नेक्स्ट केस है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। इस बार हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, लेकिन उनको इस बार सीरीज में नहीं कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया है। अब कहा गया है कि अगर इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करना है सिंगल कैपेसिटर से तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, क्या करना चाहिए, इनको हम रिप्लेस करेंगे, मतलब सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करने का मतलब है कि अगर इन दोनों की जगह सिंगल कैपेसिटर लगाया जाए तो सर्किट में कोई चेंज ना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हम बोलेंगे कि वी वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और पता लगाते हैं कि वी वोल्टेज से चार्ज कितना निकलेगा, ठीक है। तो इससे क्यू चार्ज निकाले, क्यू की वैल्यू निकालिए, या ऐसा करते हैं हम इमेजिन करते हैं कि पहले वाले पे Q1 चार्ज चला गया, Q1, और दूसरे वाले पे Q2 चार्ज चला गया, ठीक, और बैटरी से टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 चार्ज। देखो V की वैल्यू हमें नोन है, हमें V के टर्म्स में टोटल चार्ज निकालना है, यानी Q1 प्लस Q2 निकालना है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो इस सर्किट में 2 अननोन्स है, Q1 Q2, 2 लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे कि दोनों अननोन की वैल्यू पता चलेगी। तो एक आउटर लूप सेलेक्ट करेंगे, तो आउटर लूप में सेलेक्ट करके लिखेंगे माइनस, इसको चेक करना, माइनस Q1 अपॉन वी, ठीक है, सॉरी ये क्या लिखा, अपॉन C1, ठीक है, पहले की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की कैपेसिटेंस C2 है। उसके बाद बैटरी से पास होंगे तो प्लस वी इक्वल्स 0, ये पहली इक्वेशन होगी। फिर इसी तरह से दूसरा लूप सेलेक्ट कर लेते हैं, वो नीचे वाला लूप सेलेक्ट कर लेते हैं, माइनस Q2 अपॉन C2,
प्लस वी इक्वल्स जीरो। ठीक है, तो Q1 Q2 की वैल्यू पता चले, Q1 की वैल्यू पता चल रही है इक्वल्स C1V, C1V, Q2 की वैल्यू पता चल रही है C2V। तो टोटल चार्ज की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम बोलेंगे टोटल चार्ज की वैल्यू होगी, इसको चलो कैपिटल Q से लिख देते हैं, ये Q1 प्लस Q2, और ये टोटल चार्ज की वैल्यू हो गई C1 प्लस C2 टाइम्स V के इक्वल। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हम बोलेंगे Q अपॉन V, ये जो Q अपॉन V का रेशियो है यही किसी भी नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाता है, कि 1 वोल्ट में कितना चार्ज स्टोर कर रहा है। और कैलकुलेट करने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 प्लस C2 के इक्वल। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड रेजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह है। तो अगर कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस हमेशा पैरेलल में ऐड होते हैं। ठीक है, और वो समझना डिफिकल्ट भी नहीं है कि पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते जाएंगे इस तरह से रेजिस्टर्स को, सॉरी कैपेसिटर्स को, तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज ही होगी। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस हमेशा ऐड होता है और सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है, और सीरीज में कैपेसिटेंस का इनवर्स ऐड होता है। ठीक है, तो ये दो कैपेसिटर के लिए हमने रिजल्ट निकाला है, दो से ज्यादा भी होगा, तीन चार पांच, तो इसी तरह से ऐड करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा, पैरेलल कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो कैसे पहचानेंगे कि कैपेसिटर्स पैरेलल में है या सीरीज में, कैसे पहचानेंगे कि ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में। पहचानने का तरीका क्या होगा, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि दोनों कैपेसिटर का एक प्लेट सेम पोटेंशियल पर, दूसरा प्लेट दूसरे पोटेंशियल पर, अगर ऐसा होगा तभी हम दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में मान सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी पैरेलल में होते हैं कैपेसिटर तो वोल्टेज दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है, इस बार वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, और चार्ज दोनों कैपेसिटर पे चार्ज अगर पैरेलल में है तो वो डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंट है, तो चार्ज कैसे कैसे डिवाइड होगा, अगर इस पे Q1 है इस पे Q2 है, तो तुम इससे पहले ही देख चुके हो, पहले वाले पे जो चार्ज है वो C1V है, दूसरे वाले पे चार्ज C2V है, तो चार्ज का जो रेशियो है वो कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के ही रेशियो में आता है। तो ये सारी चीजें रेजिस्टर सर्किट का थोड़ा ऑपोजिट आती है, तो चार्ज डिफरेंट है, तो चार्ज अगर डिफरेंट है तो चार्ज का रेशियो क्या है, चार्जेस का रेशियो क्या है, वो कैपेसिटेंस के रेशियो में। और ये भी समझना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि कैपेसिटर के लिए रूल है Q इक्वल CV, तो दोनों पे वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज अगर सेम होगा ना, तो अगर वोल्टेज सेम है तो कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उस पे चार्ज भी ज्यादा आएगा, क्योंकि दोनों पे वोल्टेज तो हम सेम ही रख रहे हैं ना, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उस पे चार्ज भी कम आएगा। ठीक है, तो अगर पैरेलल में तुम्हें दो कैपेसिटर इस तरह से दे दिए गए हैं और वोल्टेज कुछ भी है, मान लो यहाँ पे मान लो इसकी कैपेसिटेंस है, लेट अस से पहले वाले की कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफेरा, ठीक है, और इसकी मैं 30 माइक्रोफेरा, और बोला गया है कि बैटरी से मान लो चार्ज यहाँ पर आ रहा है 100 माइक्रोकूलम,
तो रेजिस्टेंस में जो करंट था वो तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता था, जहां ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां कम करंट, और जहां कम रेजिस्टेंस है ज्यादा करंट। लेकिन कैपेसिटेंस के लिए पैरेलल नेटवर्क में इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि वो कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उस पे चार्ज भी ज्यादा आएगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उस पे चार्ज कम आएगा। तो कैपेसिटेंस पे जो चार्ज आएगा वो कैपेसिटेंस के ही रेशियो में आएगा। तो कैपेसिटेंस का रेशियो 2:1 है, पर 2:3 है, तो चार्ज जो है ना वो 2:3 में डिवाइड होगा। और 100 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो 40 माइक्रो कूलम ऊपर और 60 माइक्रो कूलम नीचे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? रेजिस्टर और कैपेसिटर से कंफ्यूज नहीं करोगे? अब मैं एक फाइनल पॉइंट बताकर इसको कंक्लूड करता हूँ। ये सारे डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें पता है कि ये ओम्स लॉ रेजिस्टर के लिए है, ठीक है, वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, और ये आर उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है, जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो इस ओम्स लॉ को अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आ जाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R1+ प्लस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस का इनवर्स ऐड होता है, ठीक है। और उसी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। लेकिन जो कैपेसिटर के लिए वोल्टेज और चार्ज का रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, Q=CV। तो अगर इसको हम थोड़ा मतलब ओम्स लॉ के फॉर्म में मॉडिफाई कर पाए तो ये होता है V=Q1/C। तो इसको मैंने नाम दिया है ओम्स लॉ फॉर कैपेसिटर, ठीक है, जिससे मतलब उसके फॉर्म में, ओम्स लॉ के फॉर्म में अगर लाते हैं तो जिस तरह से ओम्स लॉ कह रहा है कि वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट फ्लो करता है, उसी तरह वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज आता है कैपेसिटर का, ठीक है। और तुम देख सकते हो अगर दोनों को सेम फॉर्म में लाते हैं तो जो भी रोल रेजिस्टेंस का है रेजिस्टर सर्किट में, वैसा ही रोल कैपेसिटर सर्किट में 1/C का है। तो जो भी रिलेशनशिप इस ओम्स लॉ को यूज करके हम रेजिस्टर कॉम्बिनेशन के लिए निकाल रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही रिलेशनशिप, बिल्कुल सेम रिलेशनशिप कैपेसिटर सर्किट्स के लिए आएगा 1/C के लिए, ठीक है। तो जैसे सीरीज में आर ऐड होता था तो सीरीज में 1/C ऐड होगा, पैरेलल में 1/R ऐड होता था तो 1/1/C, तो पैरेलल में सी ऐड होगा, ठीक है। तो तुम्हें कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं थी, सीधा एनालॉजी लेकर के बता सकते थे, बोलते कि जो कैपेसिटर है ना वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रेजिस्टर है, उसमें बस रेजिस्टेंस की जगह 1/C आ जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली एनालॉजी से सारे रिजल्ट्स जो भी रेजिस्टेंस के लिए बोलते थे वो 1/C के लिए बोल सकते हैं। ओके, वेरी वेल, ठीक है। अब हम लोग कैपेसिटर की सिंपल सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, तो एक दो सर्किट्स लेते हैं, इसको सिंपलीफाई करके आंसर बताओ। सबसे पहले तो जो सर्किट हमने लास्ट क्लास में बार बार यूज किया था इसी को सॉल्व करो। ये हमारा नेटवर्क है, इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। कितना कितना था, 20 माइक्रो फैराड, और ये 30 माइक्रो फैराड, और ये 40 माइक्रो फैराड, ऐसा ही था ना? इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, सॉल्व करके बताओ।
ठीक है, सबने सॉल्व कर लिया है. सबसे पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होता है, तो ऐड होने के बाद 20 + 40 = 60, ये तो ये इक्विवेलेंट इसका 60 हो गया. अब ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में C1 C2 upon C1 + C2, तो तुम्हें बताया है कि जब ये C1 C2 upon C1 + C2 अप्लाई होगा, और अगर एक कैपेसिटर दूसरे का डबल है, तो सीधा जो लार्जर कैपेसिटेंस है ना उसको 1/3 कर दो. ठीक है, ये जैसा रेजिस्टर में बताया था, तो वही रिलेशनशिप तुम यहाँ पे अप्लाई करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 20 μF होगी. ठीक है, अब इसी तरह के बहुत सारे सर्किट्स बनाए जा सकते हैं. एक सर्किट मैं यहाँ पर देता हूँ, इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए थोड़ा जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर. ये नया सर्किट नहीं है, ये सर्किट तुम्हारे लिए नया नहीं है. और यहाँ पर बताया गया है कि सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सी है. कि मैंने बताया तुम लोगों की अगर सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम है, तो तुम 1 μF या 1 F मान करके सॉल्व कर लो, और सारे कैपेसिटर्स सी टाइम्स हो गए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को भी सी टाइम्स कर दो. क्या होगा आंसर? ए और बी के बीच में बताओ. ठीक है, गुड. ठीक है, आंसर तुम लोग ला रहे हो, चेक करना है कि सही आंसर है या नहीं. ये तो सिंपल है, ये वाला जो सर्किट है इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, पैरेलल में चला जाएगा. ये जो ए पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ए पॉइंट है. तो इसको यहीं पे रखते हैं, और ये वाला जो कैपेसिटर है इसको तुम ऑब्जर्व करो. पहले मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पर जो कैपेसिटर था ना ऐसे करके, ये कंडक्टिंग वायर है, ये पॉइंट ए था. फिर इसको यूं करते हैं, और ये समझा चुका हूँ बार, फिर यूं करते हैं, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं. तो ओवरऑल ये जो जो साइड में कैपेसिटर था वो फोल्ड हो करके कुछ यूं आ जाए. ठीक है, और ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट ए. ठीक है, और अब ये ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं से हम ट्राई कर सकते हैं. ये दोनों तो पैरेलल में आ गए, तो इन दोनों को हटा करके एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसकी कैपेसिटेंस है कितनी, पैरेलल में है 2C के इक्वल. ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में है. तुम देखो ए और बी के बीच में अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में, और इसके साथ ये पैरेलल में होगा. ठीक है, ठीक है, ठीक. और ये दोनों सीरीज में आएंगे, तो 2C/3,
और ये सी है और ये पैरेलल में है, तो इनको तुम रिप्लेस करके 2c/3 + c, तो ये कितना हो जाएगा 5c/3। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि तुम कई बार सीरीज में कैपेसिटर को कि सीरीज में रेजिस्टर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हो, पैरेलल में रेजिस्टर वाला यूज कर लेते हो, तो वो ध्यान देना है उसका, वो उसको बहुत केयरफुली याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कैपेसिटर सर्किट है तो अलर्ट हो जाना उसके लिए सीरीज पैरेलल का रिजल्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस पे। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है? अगर हमारे पास इस तरह का कोई कैपेसिटर का व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, और हम ए और बी के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम हो जाए। एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम होने की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि डायगोनल वाले कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस सेम हो, सॉरी, डायगोनल वाले कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस का प्रोडक्ट सेम हो जाए, ठीक है। अगर C1 C3 और C2 C4, इनकी ये दोनों और ये दोनों, अगर डायगोनल वाले कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट सेम है तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा। एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जिसका मतलब है एक्स और वाई के बीच में जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ही नहीं आएगा, और अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं आएगा तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज भी नहीं आएगा, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। और अगर इस ब्रांच में कोई चार्ज आया ही नहीं है, तो ये वाला ब्रांच ऐसा ही है जैसा कि यहाँ पे कभी कोई ब्रांच था ही नहीं, इस सर्किट में कोई चेंज ही नहीं होगा ब्रांच वाले कैपेसिटर को लगाने से या हटाने से, क्योंकि जो भी चार्जेस है ना वो ऊपर और नीचे से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले ब्रांच में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल सिमिलर टू रेजिस्टर व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, तो इसके इसके लिए ये भी कॉमन क्वेश्चन है इस तरह से, ठीक है। ये तुम्हारा सर्किट है, पिछला वाला सर्किट है, लेकिन इसमें यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है नीचे वाले ब्रांच में, और सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम है, ए और बी के बीच में तुम्हें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको अगर तुम रीड्रॉ करोगे ना, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा उधर चला जाएगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा इधर चला जाएगा, तो तुम देख सकते हो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो ब्रांच है, और उसी तरह ये वाला जो ब्रांच है, ये बी पॉइंट इधर, और ये ब्रांच कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसको अगर तुम रीड्रॉ करोगे, तो ये रीड्रॉ होने के बाद ये और कोई सर्किट नहीं है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। इसको अगर रीड्रॉ करते हो, ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स और वाई वाले सर्किट को पहले, एक्स और वाई वाले कैपेसिटर को पहले ड्रॉ करते हैं, एक्स और वाई, एक्स से ए के बीच में एक कैपेसिटर, और फिर ए से वाई के बीच में दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, ये ए है, ए से वाई के बीच में ये ऊपर वाला ब्रांच हो गया, उसी तरह वाई और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, और फिर बी से एक्स तक जाते हैं तो दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है, तो ये दोनों सर्किट बिल्कुल सेम है। तो तुम देख सकते हो ए और बी के बीच में जो ये नेटवर्क है ना, थोड़ा सा तुम्हें एंगल पे देखना पड़ेगा,
मतलब पहले जो वीट स्टोन ब्रिज मैंने ड्रॉ किया था वो तो कुछ इस टाइप का था, ठीक है, इस तरह का था, ये ए था ये बी था। अब इसको तुम इमेजिन करो कि इसको ना हम बिल्कुल इसको हम लोग ऐसे 90 डिग्री से रोटेट कर दिए, ठीक, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिए। रोटेट करने के बाद ये सर्किट ऐसा दिखेगा, ठीक है, तुम्हें थोड़ा साइड से देखना पड़ेगा, लेकिन ये सर्किट भी कंप्लीटली ए और बी के बीच में वीट स्टोन ब्रिज है। बैलेंस है या नहीं? बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि सारे कैपेसिटेंस सेम है, तो डायगोनल वाले कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट सेम होगा। तो ये ब्रिज रेजिस्टर को तुम हटा सकते हो और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करोगे, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी के इक्वल ही आएगा, ठीक है। सीरीज में लोगे सी बाई टू, फिर पैरेलल में सी बाई टू प्लस सी बाई टू, सी के इक्वल होगा। अगर चारों कैपेसिटेंस या रेजिस्टर सेम होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस केस में वो किसी भी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के इक्वल होगी। और भी इस तरह के व्हीटस्टोन ब्रिज के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी सर्किट्स तुमने ऑलरेडी रेजिस्टर रेजिस्टर सर्किट्स वाले केस में सॉल्व किए हैं, ठीक, ये मान लो दूसरा क्वेश्चन हो गया ऐसा, ठीक है, नहीं, इस तरह का क्वेश्चन है। और यहाँ पे बताया गया है, चलो एक रेजिस्टर और लगा दिया गया, और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने को कहा गया। तो चलो ये वाला कैपेसिटर मैंने लगा दिया है, तो तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो पहले मैं ये जो बीच में लगाया था ना, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। मान लो यही क्वेश्चन है, अभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। तो एक तरीका है कि ये वाला जो ब्रांच है ना, इसको तुम यूं फोल्ड करके दूसरी साइड ले आओ, ठीक है। तो फोल्ड करके दूसरी साइड लाने के बाद ये ब्रांच कुछ ऐसा दिखेगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, इमेजिन कर पा रहे हो, ये ब्रांच इधर आ गया। अब देखोगे ए और बी के बीच में वो जो सर्किट था ना, वो व्हीट स्टोन ब्रिज ही था। तो फिर व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई करके तुम सारे कैपेसिटर्स को सीरीज पैरेलल में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर ए और बी के बीच में ये जो पहले यहाँ पे ये वाला पार्ट था ए बी, ठीक है, इसी को तो हम इधर फोल्ड कर रहे हैं। ए और बी के बीच में अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ होता भी, तो इस कैपेसिटर को तुम सोच सकते थे कि अगर ये वाला ब्रांच इधर चला जाएगा, तो ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर है ना, वो कुछ ऐसे होगा, ठीक, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे अभी भी लगा होगा, ये कनेक्टेड, यहाँ पे जॉइंट नहीं है। चलो इसको मैं ये ए और बी के बीच में बिना टच हुए किसी भी और ब्रांच से ऊपर से ये कैपेसिटर है, तो तुम इसको साइड से भी यूं भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ करने की बजाय। अब तुम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लो, इस पार्ट के लिए जो भी कैपेसिटेंस आएगी उसके साथ पैरेलल में ये नया कैपेसिटर है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लोगे। इस पार्ट के लिए सी के इक्वल कैपेसिटेंस है, अगर सारे सेम है तो पैरेलल में और एक आ गया है, तो 2C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वाई एक्सिस सिमेट्री। ये सब क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कैपेसिटर नेटवर्क्स के लिए भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने में हम वाई एक्सिस सिमेट्री, एक्स एक्सिस सिमेट्री की हेल्प ले सकते हैं। वाई एक्सिस सिमेट्री का मतलब होता है कि सारे पॉइंट्स, मतलब अगर हमारे नेटवर्क में वाई एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो सारे पॉइंट्स जो कि वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनका पोटेंशियल बिल्कुल सेम होता है, आर एच सेम पोटेंशियल, ठीक है। और एक्स एक्सिस सिमेट्री क्या कहती है कि अगर हमारे नेटवर्क में एक्स एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो जितने भी इमेज पॉइंट्स हैं, ऑल दी के, जिसे ये सिमेट्री वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा
वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला जो लेक्चर था उसको जाकर के देखो, तो उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया है. ऑल द इमेज पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल, ठीक है, ओके, ठीक है. तो अब हम लोग कुछ रैंडमली अलग अलग टाइप की कैपेसिटर सर्किट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, उनके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं. मैं कोशिश करूंगा ऐसे सर्किट्स लेने की जो कि रेजिस्टर वाले केस में नहीं लिया था, ठीक है. तो पहला सर्किट तो कुछ इस टाइप का है. ठीक है, ये सी है और ये टू सी है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके लिए कैलकुलेट करो. कितना है? सॉल्व किया? कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ आंसर आ रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इक्वेशन ऐसी बन गई है जो जो सॉल्वेबल ही नहीं है? ठीक है, सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी तो यही होगी कि हम बोलेंगे, किसी का आंसर मुझे मिल नहीं रहा है तो मुझे लग रहा है कि कोई सर्किट में तो प्रॉब्लम नहीं है. ओके, लेट्स चेक इट. ठीक है, तो हम बोलेंगे जैसा भी नेटवर्क ए और बी के बीच में हमें दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही नेटवर्क हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक्स और वाई के बीच में भी दिखता है, ठीक है. तो एक्स एक्स और वाई के बीच में जो कंप्लीट नेटवर्क है, एक्स ए और बी के बीच में हम मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी के बीच में हम मान लेते हैं कि
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट है, ठीक है, ए और बी के बीच में हम अज्यूम कर लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट है, तो एक्स और वाई के बीच में जो पूरा नेटवर्क है ना वो भी वैसा ही जैसा ए और बी के बीच में, तो इस कंप्लीट नेटवर्क को मतलब यहां से यहां तक जो पूरा नेटवर्क है एक्स और वाई के बीच में उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल कैपेसिटर से ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट। तो अब सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कितनी कितनी है जरा देख करके बताओ, ये सी है गिवन है, ये टू सी है गिवन है, और हमें सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ए और बी के लिए जब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों पहले पैरेलल में है, तो पैरेलल में आने के बाद इनकी इक्विवेलेंट हो जाएगी टू सी प्लस सी इक्विवेलेंट, और फिर इन दोनों के साथ ये सीरीज में होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख रहा हूँ। सीरीज का मतलब है सी वन सी टू, सी टू की वैल्यू कितनी है चेक करते जाना, अपॉन सी वन प्लस सी टू, ठीक है, सी वन प्लस सी टू, और सी टू है टू सी प्लस सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, टू सॉरी ये इधर आएगा थ्री सी और सी इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस टू सी सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी साइड क्या होगा, दूसरी साइड होगा टू सी सी स्क्वायर प्लस सी टाइम्स सी इक्विवेलेंट। अर्जुमेंट मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा पार्ट तुम्हें नहीं समझ आया, पहले यहां से यहां तक आए इसमें कोई प्रॉब्लम है या इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, इक्वेशन लिखने में क्या प्रॉब्लम है, ये हमारे पास देखो सर्किट ऐसा था, ठीक है, अब यहाँ पे जो पूरा नेटवर्क था ना उसको हमने हटा करके उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से लगा दिया सी इक्विवेलेंट। अब हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सी है ये टू सी है, कैसे से अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने जाओगे तो ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इनको हटा करके हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, इनको हटा करके एक कैपेसिटर लगा दिया और पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होता है, तो ये हो गया 2C प्लस C इक्विवेलेंट। अब ये दोनों सीरीज में आ गए हैं, तो सीरीज में आने के बाद क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कैपेसिटेंस की सीरीज का मतलब C1 C2 C1 प्लस C2, यही तो होगा ना C इक्विवेलेंट की वैल्यू, वही तो लिखा है यहाँ पे, लिखा है सी टू सी प्लस सी इक्विवेलेंट अपॉन सी वन सी है और सी टू की वैल्यू टू सी प्लस सी, यही लिखा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एक सी इक्विवेलेंट को मैं एक्स ले लेता हूँ थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, तो हमारा जो और मुझे सॉल्व करना होता तो सी की जगह मैं वन ले लेता कि फाइनल आंसर जो होता उसको मैं सी से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, ऐसा क्यों कर सकते हैं तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये जो इक्वेशन बनेगी, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग खुद से जा कर के सोचना कि ऐसा क्यों कर सकते हैं हम एक्स, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ना सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, ठीक है, तो इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस प्लस ही लेना पड़ेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना है इसको चेक करो, बी स्क्वायर फोर है और फोर ए सी तो फोर प्लस एट ये ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है, तो फोर कॉमन हो जाएगा तो ये वैल्यू आ रही है रूट थ्री माइनस वन के इक्वल,
ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी रूट सी माइनस वन टाइम्स सी के इक्वल। ठीक है, अब ये सब स्टेप्स तुम खुद से देख लेना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू है रूट सी माइनस वन सी, सी जो क्वेश्चन में नोन है। ओके ओके ओके, ठीक। अब इसमें भी वो क्यूब वाले क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जिसमें क्यूब के हर एक एज पे एक कैपेसिटर लगा दिया गया है और फिर उस कैपेसिटर किसी भी दो कॉर्नर के अबाउट कंप्लीट नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी गई है। ठीक, इस तरह का कुछ नेटवर्क है मान लो। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग कर चुके हैं एक बार। हाँ, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता दे रहा हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, तो तुम लोगों को सॉल्व करना पड़े तो तुम कर लोगे, है ना। अब इसमें टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक, बहुत लोग क्या करते हैं याद रख लेते हैं, तो मैं इसको याद रखने को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। तुम थोड़ा सा सिमेट्री वगैरह प्रॉपरली अप्लाई करोगे तो इसको सॉल्व करो। इसमें सबसे ज्यादा जो जनरली टफ लगता है लोगों को या कैलकुलेशन जिसमें सबसे ज्यादा होती है वो डायगोनल, बॉडी डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो बॉडी डायगोनल वाला तुम एक दो बार ट्राई कर सकते हो क्योंकि उसमें अल्टीमेटली चाहे सिमेट्री अप्लाई करो भी तो केसीएल केवीएल अप्लाई करना ही पड़ता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल वाला जो केस है वो तुम खुद से एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो वो अच्छा रहेगा। ओके ओके ओके, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में एक और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में दो टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ऐसा आता है कि हमें बिल्कुल मेटल प्लेट्स दे दिए जाएंगे और उसके बीच में ठीक है डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाएगा। डाइलेक्ट्रिक मान लो यहाँ पे के वन है, यहाँ पे के टू है, ठीक है। अब बोला जाएगा, और इधर के थ्री है, अब बोला जाएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हम तभी कर पाएंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, जब हम कंडक्टर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस आते हैं ये सब डिस्कस कर लेंगे। तो अभी डाइलेक्ट्रिक्स कभी अभी डिस्कस नहीं किया, सिर्फ कंडक्टर्स डिस्कस किया है। कि पहले तो डिस्क्रीट चार्जेस थे, उसके बाद बोला कि डिस्क्रीट चार्जेस के आसपास अगर कंडक्टर भी रख दिया जाए तो हम हर जगह पर फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ हमें कंडक्टर पे कितना इंड्यूस चार्ज आएगा पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए कंडक्टर पे चार्ज कितना कैसे आएगा ये तुम पता लगाते हो, और एक बार कंडक्टर पे इंड्यूस चार्जेस आ गए तो फिर ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है। हर जगह पर तुम चार्जेस को देख करके फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह का जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा जाना चाहिए था कि ये सारे मटेरियल्स तो कंडक्टर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स डाइलेक्ट्रिक होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट चार्जेस हैं, कंडक्टर्स हैं और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी आसपास रख दिए गए हैं तो सबसे मोस्ट जनरल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन यही होगा कि तुम्हारे पास कुछ डिस्क्रीट चार्जेस हैं, कंडक्टर्स कंडक्टर बॉडीज हैं और कुछ नॉन इंसुलेटर बॉडीज भी हैं। ठीक है, इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो अगर इंसुलेटर बॉडीज भी हैं अब हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अभी हम एड्रेस करेंगे कुछ टाइम में। दूसरे टाइप का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। हालांकि इसमें भी डाइलेक्ट्रिक रखा जा सकता है लेकिन डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट जब डिस्कस होगा तो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो कुछ कुछ इस तरह का होता है। हमें पैरेलल के पैरेलल मेटल प्लेट्स दे दिए जाते हैं। एक मेटल प्लेट है, थोड़ा सा मैं इसको ठीक बनाना चाह रहा हूँ, पैरेलल इस तरह से मेटल प्लेट्स, ये क्या हो गया,
ऐसा क्वेश्चन देखा है तुम लोगों ने कि पैरेलल हिस्से से मेटल प्लेट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, इसे से देखो, अगर दो मेटल प्लेट्स दिए गए हैं और इनके अक्रॉस बैटरी लगा दी गई है, तब तो ये सिंगल, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसकी कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से चार प्लेट्स लगा दिए गए, ठीक है, पैरेलल में। अब इसमें से किसी भी दो, मतलब किसी भी तरह से इन इनको कनेक्ट करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी जा सकती है। तो लेटेस्ट से मैं सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ही करता हूँ। लेटेस्ट से मान लो ये पहला, पहले फर्स्ट प्लेट एंड थर्ड प्लेट, इनको ज्वाइन करके ना कंडक्टिंग वायर से, और फिर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। कहा जा रहा है कि ऐसे अरेंजमेंट के अक्रॉस, मतलब तुम्हें चारों पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स दे दिए गए थे और फर्स्ट और थर्ड प्लेट को ज्वाइन कर दिया गया कंडक्टिंग वायर से, और सेकेंड और फोर्थ को ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दो ही कंडक्टर है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे अरेंजमेंट के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, मतलब इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी कितनी होगी। कैपेसिटी का मतलब है कि अगर ए और बी के बीच में हम बैटरी लगाते हैं तो ये अरेंजमेंट कितना चार्ज स्टोर करके देगा हमें, कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं काम करता हूँ, इसके लिए भी स्टेप्स लिखा देता हूँ, तुम स्टेप्स देख के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, फिर तुम्हें याद हो जाएगा क्या करना। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर वन, ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है कि अपने इस पैरेलल प्लेट के अरेंजमेंट को देख करके आइडेंटिफाई ऑल द कैपेसिटर्स, ठीक है, फॉर्म्ड ऑल द कैपेसिटर्स फॉर्म, इसका मतलब क्या है भी समझा दो, एंड नेम ऑल द कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप कहता है कि तुम पता करो कि तुम्हारे कॉम्बिनेशन में, अरेंजमेंट में कितने कैपेसिटर्स फॉर्म होंगे, और उन कैपेसिटर्स को फॉर्म करने वाले जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सीधा सा रूल है कि जब भी दो कंडक्टर प्लेट्स, ठीक, दो कंडक्टर सरफेसेस अगर अलग अलग पोटेंशियल पर रहते हैं, अगर दो प्लेट्स के बीच में, दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो वो जो प्लेट है ना, ये बिहेव करेगा कैपेसिटर की तरह। यही तो क्राइटेरिया है ना। अगर डिफरेंट, अगर सेम पोटेंशियल है दोनों का, तब ये कैपेसिटर नहीं है। अगर दोनों सेम पोटेंशियल पर है तो ये कैपेसिटर नहीं है। तो बिल्कुल आमने सामने दो प्लेट्स रखे गए हैं और उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए,
तो ये चार्ज स्टोर करने के केपेबल हो गया, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। और इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, इनके बीच में सेपरेशन देखेंगे, इनका एरिया देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो तुम उसी तरह से अपने जो क्वेश्चन में तुम्हें पैरेलल प्लेट का अरेंजमेंट दिया गया है, इस अरेंजमेंट को देख करके पता लगाओगे कितने कैपेसिटर्स पॉसिबल है यहाँ पे। तो एक एक करके ठीक है सोचना स्टार्ट करते हैं। तो हम सोचेंगे कि ये जो पहला वाला कंडक्टर है, इसको किसी ठीक है बैटरी के मान लो हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इस कंडक्टर का, क्योंकि ये सेम कंडक्टर, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, ये इसका पोटेंशियल वी ए के इक्वल होगा। ठीक है, और तुम देख सकते हो ये जो दूसरा कंडक्टर है ना, ये कुछ अलग अलग पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि सबसे पहला कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर का लोअर सरफेस ये वाला, और सेकेंड कंडक्टर का अपर सरफेस, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट पोटेंशियल पर है। तो डिफरेंट पोटेंशियल पर होने की वजह से इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज भी आएगा, और ये दोनों सरफेसेस बिहेव करेंगे एक कैपेसिटर की तरह। तो अगर इनको मान लो पॉजिटिव से कनेक्ट, इसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हो, तो जैसे ही तुम कनेक्ट करोगे तो थोड़ी देर में क्या होगा पता है, ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला हायर पर है तो उस पर कुछ पॉजिटिव है। और ये दोनों जो सरफेसेस हैं कौन कौन सी, अपर का फर्स्ट कंडक्टर का लोअर और सेकेंड कंडक्टर का अपर सरफेस, ये दोनों एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आगे चलते हैं तो देखते हैं कि सेकेंड कंडक्टर का जो लोअर सरफेस है और थर्ड कंडक्टर का जो अपर सरफेस है, ये दोनों भी डिफरेंट पोटेंशियल पर है। और डिफरेंट पोटेंशियल पर होने का मतलब है कि ये चार्ज भी स्टोर करेंगे, डिफरेंट पोटेंशियल है, इसके बीच में फील्ड आएगी और ये चार्ज स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक कैपेसिटर फॉर्म करेंगे, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर बनेगा। ठीक है, और इस केस में तुम गेस कर सकते हो, अगर अगर ए हायर पोटेंशियल पर है तो इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये पहला कैपेसिटर हो गया, ये दोनों मिलके पहला दूसरा, और इसमें कैपेसिटर बनेगा क्या, थोड़ा इसको देखो केयरफुली, और कोई कैपेसिटर बनेगा, और एक कैपेसिटर फॉर्म होगा। तुम देख सकते हो नीचे भी जो थर्ड कंडक्टर का लोअर सरफेस है, हाँ, और फोर्थ कंडक्टर का जो अपर सरफेस है, ये दोनों भी मिलकर के कैपेसिटर फॉर्म करेगा। और तुम अगर जानना ही चाहते हो कि इस पे चार्जेस कैसे आएंगे, तो मैं बता देता हूँ, ये ए क्योंकि हायर पर है और बी लोअर पर है, तो इस पे नेगेटिव। तो यहाँ पे तीन अलग अलग कैपेसिटर फॉर्म, इनकी कैपेसिटेंस कितनी कितनी है, अगर ये सारे प्लेट्स इक्वली स्पेस्ड हैं तो सबकी कैपेसिटेंस सेम होगी, वरना तुम्हें दिया जाएगा कि ये डिस्टेंस कितनी है और इनका एरिया कितना है, सब कुछ बताया जाएगा। ये मान लो सेम है तो इन तीनों की कैपेसिटेंस सेम होगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं, ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो सबसे पहला स्टेप तो ये था कि पहले ये पता लगा लो कि कितने कैपेसिटर्स हैं और कैसे कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया क्या, नहीं। नेम ऑल दी कैपेसिटर प्लेट्स, तो कैपेसिटर प्लेट्स को भी, इनको मैं स्टेप को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, अभी मैं सेंटेंस मैंने प्रॉपरली फॉर्म नहीं किया है, सबका नाम रख देते हैं। तो लेटेस्ट से ये जो सबसे पहला वाला प्लेट है इसको ए बोल देते हैं, सबसे पहला वाला सरफेस अपर का। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दोगे कि अपर सबसे पहला वाला जो कंडक्टर है उसका अपर सरफेस कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है कैपेसिटर फॉर्म करने। ठीक है, तो उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है कैपेसिटर फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, ठीक है, तीन कैपेसिटर, छह सर्फेसेस, ये पहला स्टेप है। इतना कर लोगे सब लोग, पहले यहां तक बताओ, इतना सब लोग कर सकते हो, आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देख करके पहले पता लो कैपेसिटर कैसे कैसे बन रहे, और कैपेसिटर के साथ जो सरफेसेस लिंक्ड है उन सरफेसेस को आइडेंटिफाई करो, नाम रखो, ठीक है? ओके ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वन एंड, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वन एंड, वन वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ड्रॉ दी इक्विवेलेंट सर्किट। ये दूसरा स्टेप मैं समझा रहा हूँ क्या करना है। दूसरे स्टेप में तुम्हें क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये एक ही बोर्ड में काम होगा तो सही है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप है कि तुम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, कि ए ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो, क्योंकि एक बार इसके करस्पॉन्डिंग हमें कैपेसिटर का सर्किट नेटवर्क पता चल गया तो हम कैपेसिटर नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना जानते हैं, ठीक है? सीरीज पैरेलल देख करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। हम चाहते हैं इसके इक्विवेलेंट ना कैपेसिटर सर्किट फॉर्म करें, ठीक है, कैपेसिटर नेटवर्क फॉर्म करें, ठीक। कैसे, ये जो दूसरा स्टेप है यही मेन स्टेप है, इसको तुम्हें अच्छे से समझना है, ठीक है? मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ इसके लिए कोई एक यूनिक, मतलब तुम कैसे भी इस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। बस आइडिया ये है कि तुम एक पॉइंट से स्टार्ट करते करते सारे कैपेसिटर प्लेट्स को अपने डायग्राम में ड्रॉ कर लो, ठीक है, सर्किट में ड्रॉ कर लो, ठीक है? तो लेट अस से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से हम सोचेंगे, अगर ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट है, तो हम देखते हैं कि ए पॉइंट के साथ ना सबसे पहले एक प्लेट कनेक्टेड है, प्लेट ए, स्मॉल ए। तो सबसे पहले हम बोलेंगे ए प्लेट से चल करके, ए प्लेट से, ये वाला प्लेट है ए, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, इसके बाद तुम ये भी कह सकते हो कि ए ए के साथ ही ना दो और प्लेट्स कनेक्टेड है, डी और ई। तो तुम बोलोगे ए के साथ ए का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल वही पोटेंशियल, इसको ऐसे बना देता हूँ, वही पोटेंशियल डी का भी है, ये प्लेट डी है और ये प्लेट ई है, ये ई है। चेक करो पहले यहां तक जो ड्रॉ किया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक के स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक, ए पॉइंट के साथ स्मॉल ए ये वाला प्लेट कनेक्टेड है और ये वाला, ये डी और ये दोनों भी कनेक्टेड है, ठीक है? ठीक है, अब इसके बाद तुम देखोगे ये जो प्लेट ए हमने बनाया है ना, तो इस प्लेट का ऑपोजिट प्लेट कौन सा है कैपेसिटर फॉर्म करने के लिए? तो ए के ऑपोजिट में कौन सा प्लेट है, कौन सा सरफेस है? सरफेस बी। तो सरफेस बी जो है ए के साथ मिल करके एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है? और बी कनेक्टेड है कहाँ से, बी कनेक्टेड कहाँ है, बी कनेक्टेड है सी से, और इसका पोटेंशियल उतना ही है जितना बी का है। तो ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी सारे कैपेसिटर्स
के जो के ऑपोजिट प्लेट्स हम ड्रॉ करते हैं, तो ए के साथ बी कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, उसके बाद डी है हमारे पास, तो डी के साथ कौन सा प्लेट है, कौन सा सरफेस है, तो डी के साथ सी है। ये दिख रहा है तुम लोगों को, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया है? डी के साथ सी है, ठीक है, और ई के साथ कौन है, ई के साथ एफ है, ठीक है, तो ई के ऑप ई का जो ऑपोजिट प्लेट है वो एफ है, ठीक है। हाँ, अब हम सोचते हैं कि बी बी और सी ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, बी और सी दोनों सेम पोटेंशियल पर, इसका मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, किस पर है, और इन दोनों का पोटेंशियल बी के इक्वल है, ये बी पर है, और साथ साथ तुम देख सकते हो कि जितना पोटेंशियल बी और सी का है ना, वही पोटेंशियल एफ का भी है, तो एफ का भी पोटेंशियल ना बी के इक्वल है, तो तुम क्या करोगे, एफ को भी बी के साथ ज्वाइन कर दोगे। तुम देख सकते हो ये तीनों कैपेसिटर्स, अब नेटवर्क कंप्लीट हो गया, सारे कैपेसिटर्स हमने अपने डायग्राम में ड्रॉ कर लिए, अब हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस नेटवर्क को देख करके निकालना है। तुम देख सकते हो यहाँ पे तीनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, अगर तीनों की सी है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी सी सी के इक्वल, सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन स्ट्रैटेजी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तुम पता करो कि कैपेसिटर्स कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, और कैपेसिटर के प्लेट्स का कुछ भी नाम रख दो, ठीक है, ताकि सर्किट ड्रॉ करने में आसानी हो। फिर किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए सारे प्लेट्स को ड्रॉ कर लो, तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब सर्किट को देख करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा। एग्जाम्पल ले, और एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग ट्राई करो, चलेगा? ठीक है, अपने से ट्राई कर। सर इस सरफेस वाला एक बार समझाएंगे? एक मिनट, कौन सा, पहले सरफेस ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना आशिक? इतना तो कर लोगे ना पहले? सर यही वाला मैंने अच्छा, ठीक है, मैं पहले दूसरा क्वेश्चन तब तक दे देता हूँ, बाकी लोग सॉल्व करते हैं, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो चलो इसको कम ही रखता हूँ, ज्यादा ही डिफिकल्ट। ठीक है, तो इस बार हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसा है, इसको इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है, और पहले वाले पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना, इसको ट्राई करो। इसको क्वेश्चन को ड्रॉ कर लो तुम लोग अपने से जहां पे ट्राई करोगे, बाकी मैं अभी पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है आशिक, तुम यहाँ पर देखो, सबने क्वेश्चन अपना देख लिया, इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। प्लेट एरिया ए है और हर दो प्लेट के बीच में सेपरेशन स्मॉल डी की इक्वल है।
ठीक है, तो हाँ मैंने ये बोला कि अगर हमारे पास कोई भी दो कंडक्टर है किसी भी शेप के, डिफरेंट वोल्टेज पर है, तो कैपेसिटर फॉर्म करेंगे और उन कंडक्टर्स पे चार्ज आएगा। चार्ज कैसे कैसे आएगा वो कंडक्टर की शेप पर डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर्स इस तरह के पैरेलल प्लेट है, अगर पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स हैं, इनके लिए हम लोगों को पता है कि इस पे अगर हम डिफरेंट पोटेंशियल डालते हैं तो इनके इनर सरफेस पर ये एक पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैप हो जाती है। क्या आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रहता, ये कंडक्टर्स में हमने डिस्कस किया है। ठीक, तो इसको तुम अगर अगर कंफ्यूजन है तो जाकर के देखना, हमने जो अगर हम इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डालेंगे तो ये चार्जेस यहीं पे आएंगे, समझे, और सारा फील्ड इनके बीच में रहेगा और यहाँ पे फील्ड जीरो होगा। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अरेंजमेंट कहलाता है। और इसके लिए हमने कैपेसिटेंस डिराइव की है, वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल होती है। ठीक है, तो जब भी दो पैरेलल कंडक्टिंग सरफेसेस डिफरेंट पोटेंशियल पर होंगे तो ये दोनों सरफेस मिलकर के कैपेसिटर बनाएंगे जिसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल होती है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैंने बोला कि अगर उस केस में क्या होगा जब दो से ज्यादा प्लेट्स आ जाएंगे, तो हमारे पास ये दो प्लेट नहीं है, इस बार तीन प्लेट आ गए। ठीक है, और अब पूछा जा रहा है कि मान लो इन दोनों कनेक्ट करके एक पॉइंट से लगा दिया और ये बी पॉइंट। अब बोला जा रहा है कि ऐसे अरेंजमेंट के लिए, मतलब अगर हम ए और बी के बीच में बैटरी लगाते तो ये अरेंजमेंट कितना चार्ज स्टोर करता है, या इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो ए और बी के बीच में ये इस अरेंजमेंट की नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी होती है कि हम इसको मान सकते हैं इसमें एक से ज्यादा कैपेसिटर है, तो और वो कैपेसिटर कैसे आपस में कनेक्टेड है ये पता चल जाए तो कैपेसिटर नेटवर्क को देख करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि इस कंप्लीट अरेंजमेंट को देख करके कैपेसिटर नेटवर्क ड्रॉ करना। ठीक है, ऐसा कैसे करेंगे, तो कैपेसिटर नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इस जो भी डायग्राम है ना इसको देख करके पता लगाते हैं कि इसमें कितने कैपेसिटर्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, एक एक करके कितने कैपेसिटर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो कैपेसिटर्स कितने फॉर्म हो रहे हैं ये देखने का तरीका होता है कि डिफरेंट पोटेंशियल पर जब भी पैरेलल प्लेट्स आएंगे तो वो कैपेसिटर फॉर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब तुम इसको देख के बता सकते हो ना कि ये पूरा ये मेटल प्लेट है, इस पूरे मेटल प्लेट की, क्योंकि ये कंडक्टर है, इसका सिंगल पोटेंशियल होगा। मान लो इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये 12 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। ठीक है, या तुम लोग, चलिए ये +5 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट है कि बैटरी से कनेक्ट करके ये डिफरेंट वोल्टेज पर है, तो तुम बता सकते हो ना इस पूरे मेटल का, इस पूरे कंडक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा क्योंकि कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल +5 वोल्ट होगा, लेकिन ये जो बी है ना इसका पूरा पोटेंशियल -5 होगा। ठीक है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल -5 हो, तो तुम देख के बता सकते हो यहाँ पे एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है क्योंकि जो ऊपर वाला कंडक्टर है उसका लोअर सरफेस, ये वाला सरफेस, ठीक है, ये कंडक्टर तो कुछ इस तरह का है ना ऐसा, तो इसके लोअर सरफेस पर चार्ज आएगा एक्चुअली। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला कंडक्टर है इसका इसका अपर सरफेस, ठीक है, ये वाला, ये दोनों सरफेसेस मिल करके कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म करेंगे, बिल्कुल वैसा ही कैपेसिटर फॉर्म करेंगे जैसा कि एक पेयर वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म हुआ था। ठीक है, जिस तरह से ये कैपेसिटर फॉर्म हुआ था बिल्कुल वैसा ही कैपेसिटर यहाँ भी बन रहा है, फर्स्ट कंडक्टर के लोअर सरफेस में, ठीक है, और सेकेंड कंडक्टर के अपर सरफेस में, क्योंकि
क्योंकि ऊपर वाला कंडक्टर हायर पोटेंशियल पर है, नीचे वाला लोअर पर है, तो जो चार्जेस आएंगे ना वो कुछ इस तरह से आएंगे। ये दोनों मिल करके एक कैपेसिटर बन गया, ये दोनों सरफेस मिला करके एक कैपेसिटर फॉर्म कर लिया, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लाइक वाइज हम बोलेंगे कि इन इसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो सेकेंड कंडक्टर का लोअर सरफेस, थर्ड कंडक्टर का अपर सरफेस, ये दोनों भी मिल करके कैपेसिटर फॉर्म करेगा क्योंकि डिफरेंट पोटेंशियल पर है, ठीक है। तो ये भी कैपेसिटर फॉर्म करेंगे, तो कौन सा हाई पर है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये दूसरा प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पहला पैरेलल प्लेट के, तो यहाँ पे दो कैपेसिटर्स फॉर्म हो गए, ठीक है। ये पहला स्टेप था, और दूसरा स्टेप क्या था कि जितने भी प्लेट्स हैं उनका नाम कर रख दो, ये ए रख दिया, ये वाला बी रख दिया, ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, सी रख दिया। हालांकि बी और सी का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन जितने भी कैपेसिटर प्लेट्स हैं सबका नाम रखना है ताकि सर्किट ड्रॉ करने में, ये डी हो गया। अब एक एक करके ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं वो तुम्हें खुद से, ठीक है, इस अरेंजमेंट को देख करके ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे हम ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने में देखिए, इसका आंसर आ गया सबका, इसका आंसर कितना आया? मेरे पास एक ही आंसर आया अभी तक, बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया क्या? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है, इसमें कितने कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं, कितने कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं बताओ। तो ये दोनों एक कैपेसिटर फॉर्म करेंगे, चलो मान लो। अच्छा हाँ, ये वाला जो प्लेट है और ये वाला जो प्लेट है, इसका कुछ इन इन इनका पोटेंशियल सेम है, लेकिन कितना है हमें पता नहीं, वो इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। अभी हम चेक कर रहे हैं, तो ये तो लेकिन क्लियर है कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल सेम नहीं है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो अगर सेम नहीं है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और ये इनके बीच में चार्ज ऐसे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बोलेंगे सेकेंड का लोअर और थर्ड का अपर, तो मान लो ये थर्ड सबसे लोएस्ट पोटेंशियल वाला पॉइंट है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये मान लो 10 है, ये 5 है, ये 0 है, ठीक डिफरेंट, लेकिन कुछ भी हो सकता है, वो जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डिफरेंट पोटेंशियल की वजह से कैपेसिटर्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे कैपेसिटर इस पे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटर, हाँ, थर्ड का लोअर और फोर्थ का अपर, ये भी कैपेसिटर फॉर्म करे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हाई पर है और ये लो। इतना सब लोगों ने कर लिया, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, सरफेस का नाम ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये 6 सरफेसेस मिल करके 3 कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, 1 और 2 मिल करके पहला कैपेसिटर, 3, 4 दूसरा है, 5, 6 तीसरा है, कि अब सर्किट ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं हम पहले, मैं बिल्कुल ले मैन की तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि ओवरऑल सर्किट कैसा होना चाहिए, लेकिन मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बी से स्टार्ट कर, मैं चलो ए से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बोलूंगा कि मान लो ए पॉइंट है, और ए पॉइंट, ए का जितना पोटेंशियल है बिल्कुल उतना ही पोटेंशियल है सरफेस वन का, ये सरफेस वन ड्रॉ कर दिए, अब आगे ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि ए के साथ एक ही सरफेस कनेक्टेड है, ठीक है। अब उसके बाद सोचते हैं कि ये सरफेस वन जो है इसका ऑपोजिट वाला प्लेट कौन सा है, इस कैपेसिटर का जो ऑपोजिट प्लेट है वो कौन सा सरफेस है, वह सरफेस 2, ठीक है, ये 2 ड्रॉ कर लिया, 1 के ऑपोजिट में 2 है, और 1 और 2 मिल करके एक कैपेसिटर फॉर्म करे, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको देख करके बोलते हैं कि 2 के साथ ना
टू के साथ एक और सरफेस कनेक्टेड है, टू के साथ थ्री कनेक्टेड है, टू का पोटेंशियल जितना है उतना ही सरफेस थ्री का भी पोटेंशियल, क्योंकि सरफेस टू और सरफेस थ्री एक ही कंडक्टर का पार्ट है तो इनका पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो टू का पोटेंशियल और थ्री का पोटेंशियल सेम है, तो टू का पोटेंशियल और थ्री का पोटेंशियल बिल्कुल सेम है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ना एक चीज और तुम नोटिस करोगे, टू और थ्री का जितना पोटेंशियल है, थ्री मैंने ड्रॉ कर दिया, टू ड्रॉ कर दिया, टू और थ्री का जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल सरफेस सिक्स का भी है। तो मैं चाहता हूँ इनके साथ एक सरफेस और मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, और वो लेटेस्ट से ये जो है ना, ठीक है, सरफेस सिक्स, क्योंकि क्योंकि सरफेस सिक्स का पोटेंशियल और थ्री का पोटेंशियल, सरफेस सिक्स का पोटेंशियल और टू थ्री का पोटेंशियल, ये इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। तो तुम देख सकते हो टू का, थ्री का और सिक्स का, इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, रैंडमली जो मुझे दिख रहा है प्लेट सेम पोटेंशियल पे उनको ज्वाइन करते जा रहा हूँ, और अगर एक एक प्लेट मिल रहा है तो उसका ऑपोजिट प्लेट ढूंढ रहा हूँ कौन सा है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम फिर से रुक गए, अब हम सोचते हैं कि थ्री का थ्री बना लिया और सिक्स बना लिया, तो सिक्स थ्री जो है इसके ऑपोजिट वाला प्लेट कौन सा है, देख करके बताओ, थ्री के ऑपोजिट में कौन है, फोर है। तो थ्री के साथ सरफेस फोर एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और उसी तरह से सरफेस सिक्स के बारे में बताओ, सरफेस सिक्स के साथ सरफेस फाइव कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, सरफेस सिक्स और सरफेस फाइव ये दोनों कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और फोर और फाइव जो है ना उनका पोटेंशियल सेम है और उनका पोटेंशियल बी के पोटेंशियल की इक्वल है, तो फोर का पोटेंशियल और फाइव का पोटेंशियल वो सेम है और उनका पोटेंशियल बी के इक्वल है। सारे सरफेसेस ड्रॉ कर लिए, सारे कैपेसिटर्स ड्रॉ कर दिए और ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? मैंने कोई ऐसी चीज थोड़ी यूज की जो कि तुम नहीं कर सकते थे, तुम कैसे भी स्टार्ट करते, थोड़ा अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट बनता, लेकिन अल्टीमेटली सर्किट कुछ इसी तरह का होता, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप से बनता, लेकिन उनका आपस का जो कनेक्शन है वो ऐसा ही होता। अब क्या प्रॉब्लम है? अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लो, तुम देख सकते हो कि इन दोनों का 2C है और इसके साथ ये सीरीज में है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 2C और C सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी 2C/3 के इक्वल, और यहाँ पे C हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे A और D गिवन है, तो 2/3 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा आशिक, तुमने अगर हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है ना, तो तुम देख सकते हो पहले ये दोनों, पहला जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, पहले कैपेसिटर का एक प्लेट ए पर, दूसरा बी पर, दूसरे कैपेसिटर का एक प्लेट ए पर, दूसरा बी पर, तीसरे कैपेसिटर का एक प्लेट ए पर, दूसरा प्लेट बी पर, तो ये तीनों पैरेलल में ऑलरेडी है, इसके लिए तुम पूरा प्रोसेस फॉलो करके पैरेलल में ड्रॉ करोगे तो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली तुम यहीं से बता सकते थे, यहाँ पे तीन कैपेसिटर तीनों पैरेलल में, यहाँ पे तो मैंने तीन ही ड्रॉ किए, अगर इस तरह से और भी बहुत सारे बना दिए जाते पैरेलल प्लेट्स और उन सब में अल्टरनेट करके अगर कनेक्शन कर दिया जाता, मतलब इस तरह से अल्टरनेट करके अगर कनेक्शन कर दिया जाता, ठीक है, अगर अल्टरनेट करके इस तरह से कनेक्शन कर दिया जाता, ठीक है, और इसको ए पर रख दिया जाता और इसको बी पर रख दिया जाता,
तो ये सारे पैरेलल में है। तुम गिन लेते कितने कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैपेसिटर है पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी 9C के इक्वल, यही तुम्हारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा ऑल्टरनेट करके ऑपोजिट पोटेंशियल पर कनेक्शन लगा हुआ होगा, सिर्फ उस केस में ऐसा कह सकते हो, बाकी केस के लिए तुम्हें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा अगर डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हो तो।